साफ सफाई का राजा। ये सामान उठाने के चक्कर में तो मेरा दम ही निकल गया है। तो हथौड़ी से कह देती, वो बेचारा अकेला घर के और कितने सारे काम करेगा। मैं आ गया। झाड़ू झाड़ू तुम्हारे हाथ में क्या है? बताओ ना, क्या लाए हो? कितना बढ़िया केक है। केक तुम कहाँ से लाए थे जी? बस यूँ समझ लो कि थोड़ा सा चक्कर चलाया और ये केक मेरा हो गया। आखिर तुमने किया क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, मेरा यकीन मानो, इस केक को पाने के लिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया है हथौड़ी। मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तुमने ऐसा कौन सा सही काम किया है जिसके बदले में तुम्हें ये केक मिला है केनिची? तुम कोई गलत काम करके ये लाए हो तो हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमें नहीं खाना है ये केक। केनिची, अब हम जानना चाहते हैं, सच सच बताओ तुमने कौन सा काम किया है? तुम्हें जानना है ना तो सुनो, मैंने अपनी अकल से काम लिया। आज सुबह मैंने केक शॉप पर कुछ घंटों का काम किया, दोपहर तक मैं उनकी शॉप में बिकने वाले मजेदार केक्स की एडवर्टाइजमेंट करता रहा। उनकी इतनी ज्यादा बिक्री हुई कि दुकान वाले ने खुश होकर मुझे एक के बदले दो केक पकड़ा दिए। अपनी तो निकल पड़ी, वो भी खुश और मैं भी खुश। तुमने तो कमाल किया, तुम्हें बहुत मजा आया होगा ना? हाँ हाँ, मुझे तो बहुत मजा आया, मैं जिस मकसद से वहाँ गया था मेरा तो मकसद पूरा हो गया। केनिची आया। मम्मी जल्दी आओ बेटा। आप लोग कहीं जा रहे हैं? देखो बेटा, हम लोग बाजार जा रहे हैं। लेकिन अभी तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। सामान बिखरा पड़ा है तो क्या हुआ, तुम लोग हो ना, तुम सब लोग मिलकर समेट देना। यहाँ का काम तुम संभालो, हम बाजार का काम खत्म कर आते हैं। हम लोग जल्दी लौट आएंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लेंगे। मम्मी अपना ख्याल रखना। मम्मी मेरे लिए गिफ्ट लाना। अच्छा खाना लाना। चलो केक खाते हैं। पहले हम काम खत्म करेंगे फिर ये केक खाएंगे। डिंग डिंग डिंग। मेहनत करने के बाद अगर कोई चीज खाई जाए तो उसका स्वाद दुगना लगता है, इसलिए पहले काम खत्म करते हैं फिर केक का इनाम मिलेगा। ठीक है? ठीक है। निंग 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 निंग। निंजा टेक्निक, जरा ये ड्रॉवर लगा। निंग 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 निंग। बहुत हो गया, अब मुझसे और काम नहीं होता। मेरा सारा ध्यान तो उस केक में है, अब तो मैं वो केक खा कर ही रहूंगा। पर मैं क्या करूं? एक आइडिया है। डिंग डिंग। आहा। डिंग 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 डिंग। सफाई करने के बाद घर कैसे चमचमा रहा है, चलो देखो इन्होंने क्या किया है। हाँ केनिची, केनिची कहाँ हो तुम? हाँ ये तीनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे, काम अधूरा छोड़कर कहाँ चले गए ये लोग? हाँ शायद वहीं पर होंगे। डिंग 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 डिंग। केक गायब है। आज मेरे लिए केक लाने के लिए थैंक यू। क्रिसमस का सीजन चल रहा है और तुम्हें केक तो बहुत पसंद है, इसीलिए सोचा कि तुम्हारे लिए केक ले आऊं। हाँ तो आओ ना, सब मिलकर खाते हैं। हाँ अब तुम इतने प्यार से बोल रही हो तो अब मैं ना कैसे कह सकता हूँ। चलो खा लेते हैं, हम बेचारे का दिल नहीं तोड़ सकते ना। चलो चलो। केक खाने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है तीनों ने। आज हमारा भी मेरे लिए केक लाया था। हाँ क्या, हमारा भी तुम्हारे लिए केक लाया है? अरे वाह, केक कितना यमी है।
मुझे तो लगता है कि ये क्रिसमस केक केनिची को कहीं से मुफ्त में मिला है। हाँ? इस बजर बट्टू को ये कैसे पता चला? निंजा टेक्निक से इन सबको नींद आ जाए। नहीं, यमी को मुझे ज्यादा मत देना। नहीं, थोड़ा ही दूंगी। अरे ये क्या, सब लोग ऐसे सो क्यों रहे हैं? क्या बात है? अरे सुनो तो, क्या मैं तुम्हारी चाय समझ जाऊँ? चलो सामने आ जाओ। देखो, मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं है। केनिची की मम्मी ये केक सबके लिए लाई थी। अगर तुम लोगों ने यहीं पर खा लिया तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैं इसे वापस ले जा रहा हूँ। लगता है कुछ करना पड़ेगा। निंजा टेक्निक से यूमिको बन जा। अब इन लोगों से काम करवाना है। निंजा टेक्निक से यूमिको के घर जो हुआ उसे भूल जा। डिंग डिंग ना। और यूमिको के घर चले, लेकिन मैं यहाँ। यूमिको तुम यहाँ? हम लोग तुम्हारे घर जाने वाले थे। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ कैसे? मुझे पता चला कि तुम घर की सफाई कर रहे हो, मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद कर लूं। चलो जल्दी काम खत्म करते हैं और फिर मजे करेंगे। तुम सबने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। हथौड़ी तुम थे। लगता है कि बच्चे सारा काम खत्म कर चुके हैं। हथौड़ी, तुम्हें ऐसे भेष बदल कर हमसे सारा काम नहीं करवाना चाहिए था। भले भाई, ये गलत बात है। माफ करना वरना तुम लोग काम नहीं करते। बच्चों हम आ गए। अरे वाह, पूरा घर चमक रहा है। आज तो तुम लोगों ने कमाल ही कर दिया। अपना हथौड़ी है तो सब काम अच्छा ही होता है। मैंने कुछ खास काम नहीं किया है, ये सब कुछ तो केनिची ने किया है। केनिची ने किया है? हाँ, ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। बड़ी मेहनत की है इसने। हाँ, बड़ी मेहनत की इसने। हमें खुशी है कि हमारा बेटा इतना समझदार हो गया है और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने लगा है। डैनी, आप भी ना। इसके लिए ऐसे इनाम मिलना चाहिए ना कहने की। हाँ, वो तो है। हाँ? चलो आ जाओ, हम सब मिलकर केक खाते हैं। अरे बैठ। अब तुम लोग सही मायने में उस केक के हकदार हो। हथौड़ी के साथ रहकर हमारा केनिची कितना समझदार हो गया है, घर के कितने सारे काम करने लगा है ना पापा? पापा, आज मैंने इतना काम किया तो मुझे एक और गिफ्ट ले दीजिए ना। एक और गिफ्ट ले लो। केनिची, घर का काम किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके बदले में पापा से गिफ्ट मांगो, ये अच्छी बात नहीं। वो पापा खुश थे तो सोचा कि कुछ मांग लूं। वैसे मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। केनिची, तुम बहुत लालची हो। घर का काम करना हमारा फर्ज है, उसके बदले में कुछ मांगना नहीं चाहिए। और हाँ दोस्तों, खेलने के बाद अपने खिलौने जगह पर रखो। चलो चलो केनिची, साइकिल थोड़ी तेज चलाओ। चलो ठीक है तो ये लो। निंजा टेक्निक तेज दौड़ो। अब कभी रफ्तार की बात नहीं करेगा। मैं आगे चलकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। आराम से आओ केनिची। डिंग 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 डिंग। हथौड़ी, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? अच्छा, तुमने एक फ्रॉग देख लिया? हथौड़ी, तुम एक फ्रॉग से इतना क्यों डरते हो? देखो कैसे चुपचाप बैठा है। जरा देखो तो कितनी मासूमियत से बैठा है। हटो वहां से, हटो हटो। गाड़ी आ रही है।
मैं ठीक हूँ और ये भी बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने एक फ्रॉग को बचाया है। तुम कितने अच्छे हो हथौड़ी। क्या बात है भोले भाई? पता है, आज हथौड़ी ने एक फ्रॉग को गाड़ी के नीचे कुचले जाने से बचाया है। आप कितने बहादुर हैं भोले भाई। तुम कितने अच्छे हो हथौड़ी। क्या हथौड़ी ने फ्रॉग को बचाया? हाँ, उसे बचाने के बाद फिर डर से कांपने लगा। हथौड़ी के लिए एक लेटर आया है, किसका होगा? मेरे नाम का लेटर कहाँ से आया है? देखो तो किसने मुझे याद किया है। प्यारी हथौड़ी, मैं तुम्हारी माँ का मुँह बोला भाई शमन हूँ, मतलब तुम्हारा मामा। तुम सोच रहे होगे कि इतने सालों बाद मुझे तुम्हारी याद कैसे आई। दरअसल मैं थोड़ा सा नाराज था, लेकिन अब मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। कुछ दिनों में मैं विदेश जाने वाला हूँ। जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी कुछ अनमोल चीजें सौंपना चाहता हूँ। मेरी सबसे प्यारी चीज है मेरे दो पालतू प्यारे प्यारे फ्रॉग्स। प्यारे 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 फ्रॉग्स। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। मुझे उस फ्रॉग से निपटने का कोई रास्ता बता दो, मेरी मदद करो प्लीज। तुम तो कुछ ज्यादा ही डर रहे हो थोड़ी। ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अच्छा तो हथौड़ी, अब मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाने वाला हूँ जिन्हें तुम्हें बिना डरे देखना है। और हथौड़ी देखो, वादा करो कि तुम यहाँ से नहीं भागोगे उन तस्वीरों को देखकर, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। अच्छा बताओ हथौड़ी कि ये क्या है? ये हरा रंग है, जरूर किसी जानवर या पेड़ पत्ते का होगा। हथौड़ी, मैंने कहा था ना बिना डरे देखना है। चलो अब डरना बंद करो और उठकर ठीक से बैठ जाओ। संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब दूसरी तस्वीर, ये क्या है? ये किसी जीव की आंखें हैं। हाँ। अरे ये तो एक स्नेल है। लेकिन पहले तुम्हें लगा कि ये एक फ्रॉग है, है ना? डिंग डिंग। अब तीसरी तस्वीर। मैं इसे नहीं डरने वाला। मैं इस तस्वीर को देखूंगा। ये लो ध्यान से देखो। हाँ, ये तस्वीर कुछ ठीक नहीं लग रही है ना? ये फ्रॉग जैसा दिख रहा है पर ये फ्रॉग है नहीं, क्योंकि तस्वीर उल्टी थी। अब देखो। हथौड़ी, तुम्हारा क्या होगा? फ्रॉग का सामना करने की इसकी सारी कोशिशों को नाकाम करना होगा, समझे कि नहीं? क्यों? हाँ, मैं समझ गया। चलो कोशान, ए कोशान। देखो, तुम चाहे जो भी कर लो पर तुम्हें हमारा ये काम करना ही होगा। अरे भागता कहाँ है? हिम्मत से काम लो थोड़ी, हिम्मत से काम लो। ये सिर्फ तस्वीरें, बेजान तस्वीरें। गेको गेको गेको। केनिची, तुम? मुझे लगा कोई फ्रॉग है इसलिए। तुम्हारे मन से फ्रॉग का डर निकालना शायद नामुमकिन है। देखो ऐसी बातें मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बट ऐसा एक फ्रॉग। हथौड़ी, वो ऊपर चिपकी हुई फ्रॉग की तस्वीर दिख रही है आईने में और कुछ नहीं। इतना भी नहीं समझ पाया, कितना नादान हूँ। डर को कैसे भगाऊं? कल तो अंकल आने वाले हैं। हमें बेहद खुशी है कि आप हथौड़ी से मिलने हमारे घर आए हैं। हथौड़ी के बारे में काफी सुना था, सोचा उससे मिल भी लूं। आप बैठिए ना, मैं अभी आई। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आराम से आइए, तब तक मैं हथौड़ी से मिलता हूँ। कैसे हो बेटा? मुझे बेहद खुशी है और फक्र है कि हमारे परिवार में तुम जैसा एक काबिल निंजा है। आपसे मिलकर खुशी हुई। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ, ये देखो। डिंग डिंग। ओ,
और ये है वो अनमोल चीज जिसे तुम्हें संभालना है। अब जाओ अपने नए मालिक के पास जाओ और मजे करो जाओ। ओए यह थोड़ी तो टस से मस नहीं हो रहा, जरूर कुछ गड़बड़ है। जाओ अपने नए मालिक के गले लगो जाओ। ये क्या क्या कर रहे हो? कैसे अंकल? पहले तुम मुझे बताओ कि ये तुम क्या कर रहे हो या? अच्छा तो यहाँ नहीं है। उसे पता चल गया। रुकिए ना अंकल, मैं हथौड़ी को लाता हूँ। ये सरासर मेरी बेइज्जती है। कहाँ है वो लड़का? हाँ बताओ कहाँ है लड़का? आप गुस्सा थूक दीजिए, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगा। आज तो हथौड़ी गया काम से। चलो। ओ, अच्छा तो ये डरपोक हथौड़ी यहाँ छुप कर बैठा है, अब देखता हूँ कि ये कैसे नहीं डरता। दिखाता हूँ मैं इसे अपना कमाल। चलो शुरू करते हैं। ये डर क्यों नहीं रहा? आप ठीक तो है ना बले भाई? हथौड़ी फ्रॉक को देखकर नहीं डरा, इसका मतलब है कि हम उसके मन से वो डर निकालने में कामयाब रहे। नहीं केनी जी, डर के मारे इसका रंग तो नीला पड़ गया। डर के मारे क्या हालत हो गई बले भाई की? नामुमकिन तो नहीं, लेकिन डर से भागने में थोड़ा वक्त लगेगा। डिंग डिंग निंजा टेक्निक ऑफ गोल्ड मैच। डिंग डिंग। अरे अजीब बात है, अभी अभी तो यहीं रखी थी। मामा तुमने मेरी गोल्फ स्टिक देखी है क्या? वो यहाँ बरामदे में रखी थी। नहीं तो? अरे हाँ, कल आप उसे लेकर हथौड़ी को कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे ना? अच्छा हथौड़ी को क्या बता रहा था? पहले तुम उसे इस तरह से पकड़ो, फिर इसे बॉल के पास लेकर आओ और इस तरह से मारो। ये कई क्लब में खेला जाता है, हमें बॉल को बैट जैसी इस चीज से मारना होता है ताकि वो होल में चला जाए और इस तरह से हम मैच जीत जाए, है ना पापा? हाँ सही कहा तुमने, तुम बहुत जल्दी सीख जाते हो हथौड़ी। पर ये अचानक गोल्फ में तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई? नहीं नहीं कोई खास बात नहीं, वो आजकल टीवी पर काफी गोल्फ देख रहा था ना, बस इसलिए पापा। अच्छा पापा गुड नाइट। डिंग डिंग। गुड नाइट। मुझे लगता है यही वो जगह होनी चाहिए। हथौड़ी कांजो, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो आई गए तुम? हमारा हथौड़ी कांजो तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं यहाँ तुम्हारा चैलेंज मंजूर करने आया हूँ। हथौड़ी कांजो, हम आज का मैच बस शुरू ही करने वाले हैं, पहला कोर्स उस तरफ है। निंग। ठीक है हमारा, पहले शुरुआत तुम करो। ठीक है, देखो मेरा कमाल, देखते जाओ। निंजा टेक्निक ऑफ होल इन वन। वाह क्या शॉट था। देखा बॉल सीधे होल में गई। ठीक है अब मेरी बारी। अरे अरे होल तो उस तरफ है। मुझे पता है लेकिन ये मेरी निंजा टेक्निक है। निंग।
निंग निंग। अरे रे रे रे। आ वाह। डिंग डिंग। अब बताऊंगा तुम्हें। अब क्या होगा? अगर हथौड़ी इसी तरह खेलता रहा तो बॉक की बैंड बज जाएगी। ध्यान रखना, इस बार मामला थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे मुश्किल चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। किसका है ये तुमको? इंतजार मैं हूँ ना, बॉल को पकड़ने को बेकरार मैं हूँ ना। आगे आगे। गया काम से। हाँ? योग हो चुका ही के? नहीं। अरे तुम फिर से उसी तरह मार रहे हो, तुम्हें सच में गोल्फ खेलना नहीं आता? वो देखो वाह कोर्स है। तुम बस देखते जाओ, मैं इसे सही जगह पर पहुंचाऊंगा। अरे मैंने हवा की दिशा और स्पीड पहले ही कैलकुलेट कर ली। मानना पड़ेगा तुम्हारे निशाने का जवाब नहीं। ओए घोड़े आके खोलो। बॉस बॉल 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 बॉल। क्या क्या पिकनिक मनाने आए हो तुम? मैं समझ गया बॉस। बाप रे, ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ओए हथौड़ी, इस बार पहले शॉट तुम मारोगे, समझे? क्यों क्यों, ऐसा क्यों? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस ये गोल्फ रूल्स है। लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है, फिर भी मैं करूँगा। डिंग डिंग, ठीक है। पेड़ पर चढ़ने की निंजा टेक्निक। अरे ये क्या हो गया? अरे वाह, देखो मेरा निशाना। अरे ये कैसे हो गया? अब मेरी बारी है। ये लो। एक और मौका मिला है, इस बार नहीं छोड़ूंगा। ये तुम कहाँ से टपक पड़े कियो? अभी अभी पेड़ से टपका हूँ। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे अंडे नहीं गिराए, क्या कर रहे हो? बच्चे की जान लोगे क्या? छोड़ो मुझे। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे अभी मरने के बाद छूना पड़ेगा तुम्हें। अरे क्या कर रहे हो? मेरी अभी चाबी मिली हुई। शायद मेंढकों के साथ गोल्फ खेलना अब मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। The Secret Scarf, ding ding। ये हवा की दिशा में बिल्कुल सही लगा है। Come on, अब तुम उड़ते हुए यहाँ तक आ जाओ। Okay। हम आ रहे हैं। नीचे देखने को फ्लाइंग। ding 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 ding। मजा आ गया। मैं बहुत हवा का महसूस कर रहा हूँ। हवा दूसरी तरफ चलने लगी। शिंजो, शिशिमा ना, तुम ठीक तो हो? ठीक है। पता नहीं हम अचानक कैसे गिर पड़े। तुम लोग कब समझोगे? तुम्हें हवा में इस तरह से चिड़िया की तरह डांस करना पड़ेगा, तभी तुम उड़ पाओगे। इन्होंने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? हम इस तरह अभी नहीं कर सकते। बल्ले भाई, आपको लगता है सुनने में हम ऐसा कर सकते? हमें अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। करके दिखाओ। बल्ले भाई को अचानक क्या हो गया? मुझे लगता है आज इसका मूड ठीक नहीं है। बल्ले भाई यहाँ नहीं है तो खेल ले चलते हैं। इसमें पूछना क्या था? कई बार मुझे शक होने लगता है कि मेरे सिखाने में कोई कमी तो नहीं। डिंग डिंग। तैयार हो तुम? हाँ? आज तुम्हें कोगा निंजा टेक्निक ऑफ कैट फॉल को पास करके दिखाना होगा। कोगा निंजा टेक्निक ऑफ कैट फॉल? हाँ? वो भी इतनी ऊंचाई से? हमारा बॉस, मैं आ रहा हूँ। मैं आराम से सोते हुए आ सकता हूँ। उल्टा सीधा गुलाटी
वाह क्या कमाल की छलांग लगाई इसने। ओए कियो अब तुम सच में बड़े हो गए हो, शाबाश। बस ये दिन रात रेगुलर प्रैक्टिस का नतीजा है। हाँ सही कहा तुमने, चलो एक बार और करते हैं। ओके। चलो मुझे ये सब शिंजो और शिशिमानु को जरूर दिखाना चाहिए। डिंग 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 डिंग, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। ओए कियो क्या हुआ? मेरा स्कार्फ उड़ गया। मुझे डर लग रहा है। मुझे उस पागल कियो की ट्रेनिंग नहीं देखती हूं। तुम्हें जरूर देखना चाहिए, वो बहुत शानदार है। मुझे उस शर्म जानवर पर बिल्कुल यकीन नहीं है। अरे क्या मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ये तो स्कार्फ है। शिशिमानु कहाँ हो, जल्दी चलो। अभी आया हथौड़े। बस मुझे बचाओ प्लीज। तुम सच में एकदम घोचे हो कियो। पहले भाई क्या ये है निंजा टेक्निक? अरे उस कियो को क्या हो गया? समझ में नहीं आता अब मैं लाल स्कार्फ के बिना क्या करूँगा। मुझे नहीं लगता अब मैं निंजा बिल्ली की तरह रह सकता हूँ। हमारा बॉस ने तो यही कहा था, अगली बार अगर तुमने ऊंचाई से गिरने की ट्रेनिंग नहीं की तो तुम निंजा बिल्ली नहीं रह पाओगे। बॉस मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं इस ट्रेनिंग में जिंदा बच पाऊंगा। मुझे यकीन नहीं होता तुम इतने डरपोक हो। रुको मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। ये चीज हमारा फैमिली की है, इसे लकी स्कार्फ कहते हैं। ये तुम्हें हमेशा हर खतरे से बचाएगा, इसे कभी अपने से दूर मत करना। अरे वाह ये मेरे लिए है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं वो स्कार्फ कहाँ चला गया। क्यों यहाँ क्या कर रहा है? लो कियो स्कार्फ मिल गया। ये लो। मेरा लकी स्कार्फ। अब तो तुम खुश हो ना कियो? अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बॉस। अगर ये स्कार्फ मेरे साथ है तो मुझे किसी भी ऊंचाई से कूदने में डर नहीं लगेगा। बॉस ये स्कार्फ मेरा नहीं है, ये किसी और का है। अब मुझे डर लगने लगा है। हो चुका है कि मैंने इतनी मुश्किल से इसे यूमिको से लिया था और तुम हो की। लेकिन मैं अपने लकी स्कार्फ के बिना नहीं कूद सकता। आखिरी बार पूछता हूँ तुम अपने ऊंचाई के डर को भगाओगे या नहीं? अरे वो स्कार्फ किसी हमारा फैमिली का नहीं था, वो सिर्फ एक मामूली सा लाल स्कार्फ था। अच्छा तो ये था उसके कूदने का सीक्रेट। हाँ चल चल नौजवान, चल चल नौजवान, चल चल। अरे ये स्कार्फ तुम्हें कहाँ से मिला? हाँ मुझे सड़क पर पड़ा मिला। ये स्कार्फ तो कियो का है। तुम्हारा स्कार्फ फतोड़ी के पास है, फैक्ट्री के पास आकर मिलो हमारा। अच्छा कियो का स्कार्फ मुझे दे दो, मैं कहता हूँ तो। मैं किसी हालत में ये स्कार्फ तुम्हें नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता था मोनो एक्टिंग करना इतना मुश्किल होता है, खुद को खुद से इतनी मार खानी पड़ती है। बॉस फिक्र मत करो मैं आ रहा हूँ। ये तो कुछ ज्यादा ही ऊंचा है। ओए कियो मुझे बचाओ। बॉस आ रहा हूँ। कियो बचाओ। कियो कियो बचाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ओ कियो के बच्चे अब अपनी हार मान लो। मेरे बॉस को कुछ मत करना मैं आ रहा हूँ। हमारा तुम्हारा खेल खत्म। बॉस संभल कर मैं आ रहा हूँ। नीचे गिरने की कोका निंजा टेक्निक। बॉस 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 आप ठीक तो है ना? हो ये तो हमारा बॉस नहीं है। कियो I'm sorry, तुम्हें मैं इस तरह से डराना नहीं चाहता था। तुम्हारे दिल में ऊंचाई का डर निकालने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। ये लो तुम्हारा स्कार्फ, अब तो तुम बहुत खुश हो गए है ना? क्या ऐसा क्यों किया? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? कहीं तुम मुझसे नाराज हो कियो? ज्यादा बकवास मत करो थोड़ी। अगर तुम सिर्फ स्कार्फ वापस दे देते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। पता है मैं कितना डर गया था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तो मेरा स्कार्फ भी मेरे साथ है, तुम्हारी खैर नहीं रही। प्लीज मुझे माफ कर लो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने तो सोचा था कि कियो के लिए कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। ओ बचाओ। निंजा टेक्निक ऑफ डोमिनो इज रियली अ फन। डिंग डिंग। शिंजो ये कैसे हो गया?
देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 हुए 16 और ये हाँ? तुम्हें इतना इजी सब भी नहीं आता तो मेरी नोटबुक खराब की मैं नहीं छोडूंगा चलो चलो फिर से शुरू हो गए चलो अब हम शुरू करते हैं शिज़ो एक मिनट रुको प्लीज क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ प्लीज ओके बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि युमी को ऐसी बकवास चीजें आखिर पसंद कैसे आ सकती है सोचा था क्या और निकली क्या बॉस युमी को के दिल तक पहुंचने का ये शानदार मौका है मतलब डोमिनो गेम युमी को मैं शुरू कर रहा हूँ हाँ देखो ठीक है मारा थैंक यू सर दोबारा जरूर आइएगा डोमिनो डोमिनो मैं लेकर आया डोमिनो डोमिनो बॉस मुझे पूरा यकीन है आप युमिको के दिल में जगह जरूर बनाएंगे युमिको तुम भी शॉपिंग कर रही थी क्या नहीं मैं शॉपिंग नहीं कर रही थी असल में हथौड़ी ने कहा था कि वो आज मुझे बहुत बढ़िया डोमिनो गेम खिलाएगा और वो कोई रेडीमेड गेम नहीं होगा कुछ बिल्कुल नया होगा अच्छा मैं चलती हूँ वो कोई रेडीमेड डोमिनो गेम नहीं होगा कुछ नया होगा चलो देखते हैं क्यों ओके बॉस नहीं हथौड़ी ये ठीक है कितना शानदार है ये अच्छा तो घर का सामान इकट्ठा करवा के इसने डोमिनो बनवाया है लेकिन शानदार है ठीक है अब सब तैयार है तुम शुरुआत कर सकती हो इसे मैं करूं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है हाय युमिको कम ऑन ये लो अरे वो गिरने के लिए बहुत छोटी चीज है ये लो बाल बच गए तुमने हमारी मदद की इसलिए शुक्रिया हमारा नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन घर की चीजों से डोमिनो बनाना ये कुछ ज्यादा ही हो गया ये सब क्या है घर का सारा सामान बाहर क्यों लेकर आए हो चलो इसे वापस अपनी जगह रख दो I'm sorry मम्मी लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया सॉरी हो गया ना हथौड़ी की इज्जत का सबके सामने कचरा केनिची और दूसरों पर मेरा इम्प्रेशन काफी खराब हो गया होगा अपनी इज्जत वापस लानी होगी क्या हथौड़ी इतनी सुबह सुबह मुझे उठा दिया मुझे अपना हथौड़ी स्पेशल डोमिनो दिखाना है कैसा हथौड़ी स्पेशल डोमिनो लो शुरू करो क्या मैं शुरू करूं हाँ हाँ करो तो अरे बाहर गया कितना अच्छा लग रहा है अब कुछ बात बनी क्या बात है मजा आ गया क्या बात ये सब किसने बचाया क्या है ये हटाओ इसे हमारा रुक जाओ थोड़ी तुम अच्छा तो ये चक्कर है अभी दिखाता हूँ इसे मैं हटा दूंगा मेरे पैर में पहुंचा ये सब मत करो हाँ
डिंग डिंग, मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छा लगा। यही है असली डोमिनो गेम। इस तरह से हर जगह चीजें क्यों फैलाई गई हैं? मैं अभी सब कुछ ठीक करता हूँ। कुछ भी खेलने में कितना मजा आता है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक करने में नानी याद आ जाती है। डिंग डिंग।